के व्यूअर्स यहाँ देख सकते हैं अजान जानू माशाल्लाह यहाँ पर सोए हुए हैं। उस दिन अजान से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, आज भी इसी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब इनकी नाना ने इनको सुलाया है और मगरिब का टाइम हो चुका है और मोहम्मद उसे कमर दीजिए। चलिए चलते मेरे पोर्शन में। मोहम्मद राती हेलो। और यहाँ खला ने अपना ड्रेस आयरन करके रखा हुआ है। कल ये माशाल्लाह से जा रही है अपने ससुराल में, इनके ससुराल में इनकी दावत है, तो अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है कल के जाने की। तो फिर गाइस मैं चलती हूँ इस टाइम अपने पोर्शन में। मोहम्मद ये रहे, मोहम्मद मेरे पास हैं, चलें। और मगर हो चुकी है, मोहन के मामू की ऑफ हो गए, मामू भी आ गए हैं जॉब से। चलें यहाँ देख सकते हैं, मगरब हो चुकी है, अंधेरा हो गया है और आज ये यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा हुआ है। और देख सकते हैं आसमान कितना प्यारा हो रहा है, मौसम कितना प्यारा है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा मौसम है। और आज रमज़ान मुबारक के बाद माशाल्लाह से आज पहला जुम्मा है सुबह में। तो चलिए जी मैं जा रही हूँ अपने पोर्शन में। अजान जानू का नानी ने सुला दिया, मगरब की नमाज़ वगैरह हमने अदा कर ली है। मैं जाऊँगी अपने पोर्शन में, खाना वगैरह बनाऊँगी, इनके पापा कभी भी किसी भी टाइम आ जाएंगे। मोहम्मद चलें, मोहम्मद बस अपने नानू के मामू जान के पास है। मोहम्मद चलें, मोहम्मद जल्दी जल्दी मोहम्मद आएंगे, इनके मामू को बस देख लियो, मामू के साथ ही रहेंगे। ओके गाइस मैं स्टिल जा रही हूँ अपने पोर्शन में। अच्छा चलिए यार भाई जान मेरे, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, नहीं अपनी मस्ती में उतरने मोहम्मद है ना। ओके गाइस आज ईद के बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह भी सारे वॉश किए, बहुत सारे मेरे कपड़े वगैरह भी जमा हो गए। 3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि हमारी मोटर हो चुकी थी ख़राब और 2 दिन के बाद हमारी मोटर बंद की आई है, तो इसलिए कपड़ों का माशाल्लाह ढेर लगा हुआ था। इतने भी सारे कपड़े थे बच्चों के जमा, तो इसलिए मैंने आज कपड़े वगैरह वॉश किए। तो आज दिन में ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इस टाइम मैं फ्री हुई हूँ, खाना वगैरह मैंने बना लूँ, असर मगर नमाज़ वगैरह अदा की और सूर्य वाक्य जो पढ़ती हूँ मैंने पढ़ी, वहाँ पर भी देख सकते हैं कपड़ों का माशाल्लाह से ढेर लगा हुआ है। सारे कपड़े मुझे अभी ये वॉश किए हुए हैं, कपड़े हैं ये सारे मैंने वॉश कर लिए हैं, वॉश करके सूखने के बाद यहाँ रख दिए हैं। अब मैं सारे खाना वगैरह बनाने के बाद कपड़े वगैरह आयरन करूँगी। ओके गाइस नेक्स्ट टाइम, ओके गाइस नेक्स्ट टाइम आ चुकी हूँ माशाल्लाह से अपने पोर्शन में। और रूम वगैरह मैं पहले सेट करके गई थी क्योंकि मैंने पहले काम कर लिया था, लाइट नहीं थी। सुबह उठते जब माशाल्लाह सिंह पापा जाने तो चले गए थे काम पर अपने, फिर मैंने वही अपने डेली रूटीन के काम वगैरह किए, कपड़े वगैरह धोए, कपड़े बहुत जमा थे, फिर इसी हिसाब से अजान को इनकी नानों को दे दिया, फिर बच्चों को वॉश वगैरह करवाया, फिर वो अपने डेली रूटीन के काम वगैरह किए, घर वगैरह समेटा क्योंकि इतने दिनों से मैं घर में बहुत कम रही थी क्योंकि ईद से मेरा आना जाना बाहर बहुत लगा हुआ था, फिर मम्मी घर भी सब लोग आ जा रहे थे, तो इसलिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं घर को देखूँ। बस वो डेली रूटीन के जो होते हैं नॉर्मल डस्टिंग वगैरह करती थी, कपड़े वगैरह वॉश मैंने कुछ भी नहीं किए थे। मैंने सोचा चलो आज मैं तफसीली सफाई भी कर लूँ अपने रूम की और सारा सब कुछ समेट भी लूँ, तो इस हिसाब से आज मैंने अपनी सारी फाइनली अपने घर की सफाई वगैरह की है। और मोहम्मद वो भाईजान माशाल्लाह से अपने और डेली रूटीन के कार्टून वगैरह देख रहे हैं मोटू पतलू, और यहाँ देख सकते हैं 7:45 हो रहे हैं, लाइट की रोशनी हो रही है इसलिए सही टाइम शो नहीं हो रहा, और 7:45 का टाइम है। चले नहीं चलते हैं किचन में, जल्दी से मैं खाना बनाने की तैयारी करूँ, इससे पहले अजान चान उठ जाएंगे, इनके पापा जानिए जी। चले जी चलते हैं किचन में। अलहमदुल्ला गाइस मैं इस टाइम आ चुकी हूँ किचन में, सोचा मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इनके पापा ने कहा था आज गोश्त नहीं बनाना, बिल्कुल लाइट सा कुछ भी बनाना क्योंकि डेली बाहर भी जा रहे थे, मम्मी के घर भी पहले दिन भी दावत थी तो वहाँ पर भी बिरयानी और कबाब वगैरह थे, तो इसलिए इनके पापा ने कहा था गोश्त नहीं। फिर दूसरे दिन आके इन्होंने मेरे हाथ का पुलाव खाना पसंद किया था, फिर पुलाव वगैरह बनाया था, फिर बाहर आना जाना था, इनके फ्रेंड्स के घर भी दावत थे, वहाँ पर भी माशाल्लाह से गई थी, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें खाई माशाल्लाह से, बहुत इन्जॉय किया। और फिर कल इसके बाद हम लोग पार्क चले गए थे, दूसरे दिन इनके चाचू के घर गए थे, तीसरे दिन पहले दिन मम्मी के घर, दूसरे दिन इनके चाचू के घर, फिर तीसरे दिन हम लोग गए थे पार्क में बच्चों को लेके, और फिर चौथे दिन गए थे फिर इनके फ्रेंड के घर दावत थी वहाँ पर। चले जी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ मूंग की दाल फ्राई, तो इनके पापा ने कहा था बिल्कुल लाइट सा बनाना, तो मैंने सोचा मूंग दाल फ्राई बना दीजिए झटपट से बन जाएगी। सुबह में दोपहर में मतलब जैसे मैं उठी काम वाम करने काम वगैरह किया अपना नाश्ते के बाद, तो मैंने ये घंटा पहले मैंने दाल ही भिगो दी थी पानी में ताकि दाल अच्छे से भिग जाए, भीग के माशाल्लाह इतनी बड़ी हो चुकी है, और मैंने एक कप से कम मैंने कम दाल ली थी लेकिन दाल अच्छी है, बड़ी बड़ी है, फ़ौरन से भीग के फूल चुकी है दाल। और एक बार मैंने प्याज फ़ौरन से ब्राउन करने रख दी है ताकि प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए। अजान जान ऊपर सोए हुए हैं, अजान का मुझे डर होता है, आजकल माशाल्लाह से चलना सीख रहे हैं तो कहीं भी चल जाते हैं, और खासकर यहाँ पर आते हैं पानी के लिए कैन रखा हुआ है, इनके पास आते हैं यहाँ खड़ा होकर कभी खाली होता है ना गलती से तो फिर ये बहुत बुरा गिरते हैं,
तो इसलिए मुझे ख्याल रखना पड़ता है इनका बहुत ज़्यादा पहले से भी। वैसे माशाल्लाह नानी खाला इनका बहुत ख्याल करती हैं। तो यहाँ पर प्याज लाल हो रही है और साथ में इनके पापा ने कहा था कुछ हल्का फुल्का मीठा बना लेना, तो ये एक लीटर से कम कुछ दूध है, मैंने इसको अच्छे से मैंने पहले बॉयल कर लूँ और दूध वाली सेवैयाँ बना लूँ। इनके पापा ने कहा था दूध वाली सेवैयाँ बनाए, तो मैंने सेवैयाँ का निकाल के रखा है। और सब मैंने यहाँ पर टमाटर कट कर लिए थे, इसमें साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी हाफ टी स्पून हल्दी ली थी, हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया था, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, एक टी स्पून हल्दी पाउडर है और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया हुआ है, क्योंकि नमक मैं बाद में डालूँगी थोड़ा सा ऊपर से। और अदरक लहसुन मिर्चों का पेस्ट रेडी कर दी हूँ। मैंने सोचा यहाँ पर ये काम प्याज भी गर्म हो जाए, दूध भी गर्म हो जाए और झटपट स्वाद में जल्दी से यहाँ पर ये मसाले का पेस्ट रेडी कर लेती हूँ अदरक लहसुन का। और साथ में मैंने आटा भी गूंद के यहाँ पर रख लिया है, अभी फ़ौरन से मैं रोटियाँ भी डालूँगी। और भाईजान ने यहाँ पर किचन में आ चुके, एक आने के साथ ये चूल्हे दूध का ना चूल्हा फुल कर दिया, ये हरकत है मेरे बेटे की, चेक करें। वहाँ पर उन्होंने प्याज का चूल्हा बंद कर दिया। मोहम्मद ये क्या बदतमीजी हो रही है, आप यहाँ पर किचन में क्यों आए? ये जब किचन में आते हैं ना ये हाल होता है मेरा। चलें जी, दूध में अच्छे से आ चुका है बॉयल। चलें जी, यहाँ पर मैं मसाला पीसने रही, तो देखें प्याज कुछ लाल हुई है कुछ नहीं हुई, क्योंकि मोहम्मद तंग कर रहे थे, मोहम्मद प्याज लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ज़िद कर रहे थे, मैं जल्दी से फिर इनके हाथ से लिया। देखें मोहम्मद क्या कर रहे हैं, इन सवैयों से खेल रहे हैं, इनको कोई यूनिक ही चीज़ लग रही है, सवैयाँ क्या है इनके हिसाब से इनको समझ में नहीं आ रही, और इस तरह खेल भी रहे, नीचे गिरा भी रहे हैं सवैयों को, पता नहीं क्या लग रहा है सवैयों को। मोहम्मद हरकत है, देखें रो के ना मुँह पे क्या हल्की हुई, अपने फेस देखेंगे फेस के सावर हाय। चलिए यहाँ पर हमारे मसाला का हरी मिर्च रहते हैं, लहसुन का पेस्ट रेडी कर लिया, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। चलिए से थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ और दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है, क्योंकि मुझे दूध अच्छे से बॉयल करना था ज़्यादा। और ये मेरा बेटा देखिए क्या हरकत कर रहा है, छुरी से सवैयाँ काट रहा है, किसी ने काटी होंगी, मेरे मोहम्मद ने काटी हैं छुरी से सवैयाँ। मोहम्मद अलग काम कर रहे ना, गुस्सा काट रहे, नहीं मामा कैमरा नहीं, मोहम्मद हाय नहीं अजान चानो हाई करते हैं भाई जान। मेरा मोहम्मद मेरे घर की रौनक माशाल्लाह से। चलें जी, मोहम्मद हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद आजकल ये सीख रहे हैं कोई भी बाहर जाता है किसी को बाहर जाते हुए देख लेना स्टूडेंट पर तो फ़ौरन से इनके पीछे पीछे चले जाएंगे। तो इनकी नानी भी मुझे मम्मी बहुत ताकीद करती हैं, खास के आयशा मोहम्मद का बहुत ख्याल रखना है कहीं जाए ना, क्योंकि किसी को भी हमारे बराबर में पड़ोसी रहते हैं वो भी अगर बाहर चले जाएँ उनके पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। और जैन जान पता है क्या कर रहे हैं, उनके माशाल्लाह से पाँव आने चलना सीख रहे हैं, तो कभी वॉशरूम में पहुँचे होते हैं जान, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी किचन में आए हुए हैं। तो चलिए देखिए फिर से मोहम्मद यहाँ पर चीज़ें दिखाना शुरू कर दी हैं, आज जितनी सवैयाँ चाहिए थी मुझे इतनी सवैयाँ मैंने निकाल ली हैं। ये फिर से इनकी हरकतें चेक करें भाई जान की, और दाल को मैंने जो बची हुई दाल थी वो भी मैंने इसके अंदर अच्छे से मुझे जितनी भी दाल थी वो मैंने निकाल ली, और कोई भी चीज़ वैसे हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इसमें रिजक में तंगी भी होती है और अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है, और वैसे भी जितनी रिजक की कदर करेंगे अल्लाह पाक हमें इतना ही नवाजता है। तो चलिए जी, मैंने दाल को अच्छे से भून लिया है और दाल का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं ऑयल और मसाला सेपरेट हो रहे हैं। तो चलिए जी, हमने इसमें एक कप पानी रखा हुआ है, पानी ऐड कर देती हूँ, और अब मैं इसको 2 मिनट के बाद ढक दूँगी ताकि और जल्दी से दाल भी मेरी दाल फ्राई रेडी हो जाए, और साथ में फिर मैं रोटियाँ बना लूँ। तकरीबन दाल को ना प्यारा बेटा है ना मोहम्मद, ना प्यारा है खूबसूरत शहजादा है मोहम्मद। चले जी, सवैयों को हमने अच्छे से भून लिया है और घी में ऑयल ज़रूरत थी तो मैंने और भी इसमें घी ऐड कर दिया है, और सवैयाँ हो चुके हैं सॉफ्ट। अब मैं इसको उतार के इसके अंदर मैं सवैयाँ ऐड करूँगी। मोहम्मद जल्दी जल्दी जल्दी, मोहम्मद ने सवैयों को हाथ लगाने की कोशिश की गई थी। चलिए अब मैं इसके अंदर ये सवैयाँ ऐड कर देती हूँ जो मैंने सवैयाँ भून ली हैं। चलिए
करने लिए पाँच समय में बॉयलर अच्छे से, और दूध पक के देखें दूध का कलर भी चेंज होता जा रहा है, जितना पकेगा इतना ये गाढ़ा होता जाएगा। तो चलिए जी मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ, और साथ में दाल भी लगभग रेडी होने वाली है। तो चलिए दोनों चीज़ें हो जाती है रेडी, आज जब तक मैं बाहर से कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ और देखती हूँ अजान चान उठे तो नहीं। ये देखें दूध भी गाढ़ा होता जा रहा है, बस अब मैं 5 से 10 मिनट तक इसको और 5 से 7 मिनट पकाऊंगी, फिर इसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और मैं रोटियाँ डाल दूँगी, क्योंकि गैस का भरोसा नहीं है और लाइट तो वैसे भी जाएगी 9 बजे। तो मैं सोचती हूँ जल्दी से मैं रोटियाँ डाल दूँ, फिर मैं दोनों की फाइनल शक्ल दिखाऊँगी। अभी मैं इसको पकने देती हूँ, जितना पकेगा इतना गाढ़ा होता है ये तो वैसे भी। ये शिरखुरमा मैं दो तरह की सेवियाँ बना रही हूँ। शिरखुरमा भी इसी तरह बनता है, लेकिन कहते हैं किसी का दूध फट जाता है तो मैं इस तरह करके डालती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी अलग स्टाइल से बनाती है, मैंने इस तरह बनाया है। वैसे मेरी मम्मी की तरह बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा मैं इस तरह बनाऊँ ताकि दूध ना ख़राब हो। कहते हैं दूध फट जाता है डायरेक्ट से शिरखुरमे में दूध डालो, तो इसलिए पहले मैंने सेवियों को अलग भून लिया, फिर इस तरह दूध को चीनी में पका के फिर इस तरह मैंने इसमें ऐड किया। चलिए जी मैं अभी इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ के 2 मिनट बाद इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, और साथ में मोहम्मद हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, कभी दाल पर चूल्हा फुल हो जाता है कभी स्लो हो जाता है, मोहम्मद बेचो बैठे हैं किचन में। चलें जी मोहम्मद को इस तरह मैंने अपनी गोद में उठाया है, ज़बरदस्ती इनको मैंने किचन से निकाला, पापा इनका कोई माइंड नहीं था किचन से बाहर आने का, और यहाँ के कार्टून चल रहे हैं, कार्टून शायद बेड देख रहा है और ये तो मज़े से घूम रहे हैं। चलें जी मैं कपड़ा वगैरह उठा लेती हूँ, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है और शाम का टाइम भी अब करीब करीब है, मैं कपड़ा वगैरह उतारती हूँ और से पहले मैं अजान को देखती हूँ अजान चल उठे कि नहीं। ये देखो इनकी बिल्ली कहाँ बैठी है, मोहम्मद अजान इस बिल्ली से खेलते हैं, बिल्ली क्या कैसी चमक रही है, डर भी लगता है। तो चलिए जी मैं इस टाइम जा रही हूँ मम्मी के पोर्शन में अजान जानों को देखने गई, अजान उठे कि नहीं, मैं इस टाइम उठ चुका हूँ। ओके जी मैं आ चुकी हूँ इस टाइम मम्मी के पोर्शन में, उठी गई अजान, अजान चलिए जी मैं आ चुकी हूँ मम्मी के पोर्शन में, अजान उठे हुए हैं कि नानू के पास बैठे हुए हैं, और नाना ने इनका फ्राई दी हुई है, बैठ के अपनी फ्राई इंजॉय कर रहे हैं। और फिर मम्मी को सुकून नहीं था, आज फिर मम्मी बैठ गई थी अपनी एक चीज़ें लेके बैठ के, आज फिर मम्मी ने 1.5 महीने के बाद मशीन उठाई और फिर मम्मी ने आज ये डिज़ाइनिंग की, क्योंकि मेरी मम्मी को सुकून नहीं होता। और यहाँ पर अजान चलू बैठे हैं मम्मा के पास, अजान चलिए जी अजान उठ चुके, मैं अजान को लेट थी उन्होंने की बच्चा मुझे पता चल चुकी है, मोहम्मद इसलिए रो रहे थे, मोहम्मद ने देख ली थी कैट ब्लैक कैट, क्योंकि दूसरी वाली वाइट और येलो होती है उससे तो मोहम्मद खेलते हैं, लेकिन इस वाले से मोहम्मद बहुत डरते हैं इसलिए मोहम्मद रो रहे थे। इसलिए भाग के पहले मोहम्मद के पास गए, बाद में मैंने कहा अपनी एंडिंग कर दूंगी व्लॉग की ना। तो यहाँ देखें अजान, मेरा अजान चानों का स्टाइल देखें पानी पीने का, ये इस तरह के अंदर जो मिनरल वाटर होता है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, फिर इस तरह अजान पीते रहते हैं। वैसे भी नानू ने बोला अच्छा जितना पानी पिए बच्चे के लिए अच्छा फ़ायदा रहता है, और आजकल आज आपको मेरा पेट भी साफ नज़र आ रहा होगा क्योंकि मोहम्मद ऊपर थे, अभी भी मोहम्मद नीचे आए हैं, और मैं मेरे साथ अभी किचन में भी थे, मेरे साथ रोटियाँ बनवाई हैं, अपनी पूरी शर्ट वगैरह गंदी की आटे वाली। चलें जी मैं अपना ब्लॉग एंड कर दूँ, और यहाँ उनके भाई उसमें शावर पानी पी रहे हैं, तो माशाल्लाह से यहाँ पर इस तरह पानी पी रहे हैं। चलें जी बच्चों की दोनों को इस तरह लगी रहेगी, माशाल्लाह से अल्लाह पाक मेरे दोनों बेटों की लंबी ज़िंदगी दे। मैं जब खाना वगैरह बना रही थी तो मेरी मम्मी ने दोनों भाइयों को संभाला हुआ था, अल्लाह पाक मेरी मम्मी को भी लंबी ज़िंदगी दे, इनकी हर मुश्किलें आसान करें। अजान बाय, अजान टाटा कर दें, अजान नो, दोनों भाई माशाल्लाह पानी पीने भी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मेरे इस टाइम दोनों चीज़ें हो चुकी हैं रेडी, यहाँ पर जो मैंने मूंग दाल बनाई थी वो भी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, इनके पापा को इस टाइप की खाने की इसलिए मैंने आपकी बनाई हुई है, और अजान जो मेरी गोद में ना इसलिए अजान आवाज निकाल रहे हैं। अजान स्वीटी ए अजान हेलो बेबी, वो भाईजान की भी आवाज़ सुन रहे, वो स्टूडियो पर नानों के घर चले गए थे, नानू उनकी आई हुई होंगी नीचे, इसलिए नानों के पीछे पीछे चले गए, नहीं नानी नहीं आई थी, खुद ही ऊपर अभी गए थे ये। तो चलें जी मैंने ये घर के मसालों से सिंपल झटपट से आज तुमने दाल बनाई थी, क्योंकि मुझे घर के और भी काम देखने थे, कपड़े वगैरह समेटने वो भी समेट के जा रही थी साथ के साथ, और यहाँ पर मैंने मूंग दाल खड़ी बना ली और बिल्कुल पत्ती नहीं बनाई, ये देखिए माशाल्लाह मेरा बेटा आप माशाल्लाह से चलना सीख रहे हैं। ओके गाइस मैंने यहाँ पर मूंग दाल बनाई थी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से हमें भी ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। जय जुम्मा, और इस टाइम दोपहर के 2:15 हो रहे हैं, मौसम देखो माशाल्लाह कितना प्यारा कितना अच्छा लग रहा है, और हवा भी चल रही है और हल्की हल्की सी धूप भी हो रही है, गर्मी भी है किसी बात नहीं, गर्मी नहीं गर्मी है, और देखें मौसम बेचारे दरख्त का क्या हाल हुआ है, सारे पत्ते झड़ के नीचे गिरे हुए हैं,
और जुम्मे का दिन है, बाहर भी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से यार। रमजान के बाद माशाल्लाह पहला जुम्मा है, पिछले जुम्मे माशाल्लाह से अलविदा जुम्मा था, वो भी सब खैर से निकल गया। अल्लाह पाक हर दिन आने वाले दिन की तरह खैर से गुजरें सारे दिन भी। अल्लाह पाक से ही दुआ है इस रमज़ान में दिन बरकत वाले बड़े मुबारक दिन थे, अल्लाह पाक हर दिन ऐसे अच्छे मुबारक बरकत वाला दिन करे, सब खैर से गुजरे। चलें जी, मम्मी वाले जा रहे हैं सिस्टर के यहाँ दावत वगैरह है ससुराल में फैजान भाई के घर, तो मम्मी वाले उनकी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके गाइस, मैं इस टाइम जा रही हूँ अपने पोर्शन में और मम्मी से कुछ बात वगैरह करनी थी। मम्मी नहीं जाती तो मैं फ़ौरन, मम्मी मुझे बुलाती हैं ये काम है ये, या मैं जाती हूँ मम्मी के पास कि मम्मा आप जा रही हैं, वो जाने से हम दोनों का हाला वाला लाजमी होता है मम्मी कहीं भी जाएँ तो। चलें जी, मैं इस टाइम आ चुकी हूँ अपने पोर्शन में। मेरे पोर्शन में देखें भाई जान सोए हुए हैं, चाय पक जाएगी। देखो मेरे किचन का क्या हाल हुआ हुआ है, ये हाल है मेरे किचन का। अभी मैं अभी इनके पापा बोल रहे हैं कि इस टाइम पराठे बनाऊंगी, क्या करोगे, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और शाम के लिए मैं फिलहाल कीमा निकाल के ले आई हूँ, कीमा टमाटर मिर्च वगैरह लेके आ गई हूँ अदरक वगैरह, ताकि मैं अपना खाना वाला बना लूँ। चल गया।